आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक नेशनल एग्जामिनर और एक फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए 9 से 12 स्टैंडर्ड में जो भी हैं नेशनल अनवेसी का एक्सपेरिमेंटल फील्ड टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला जो है दोनों फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 3 डे नेशनल एग्जामिनर होने वाला है साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव के हिसाब से। तो इसका ईमेल आईडी यहाँ पर से देना है आपको, यहाँ से टाइटल चूज करना है आपका, मिस्टर मिसेस जो भी हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट जो नेम आएगा वो नाम लिखिएगा अपना, जो भी नाम है डेजिग्नेशन दीजिएगा आप क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर जो भी हैं, आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट दीजिएगा, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स लगाइएगा, डिपार्टमेंट जो भी है आपका, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप 3 इंटरेस्ट लगा दे सकते हैं, 3-4 आपके हिसाब से जो भी होगा आप एक भी दे सकते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट दे दीजिएगा आप, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे आप, अभी कॉलेज में हो, कॉलेज का नाम लगाना है यहाँ पर, एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लगाना है यहाँ से, तो सबमिट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है उसको दिखाते हैं आपको, ये नेशनल अनवेसी का एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट, इसमें आपको 8 से 10 वीडियो बनाना पड़ेगा एडमिशन के हिसाब से फीस में कुछ भी, तो उसको वीडियो को आपको देना पड़ेगा, इस वीडियो को देखिएगा सर का, AC वर्मा सर का, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए स्क्रीनिंग राउंड होगा, स्क्रीनिंग राउंड के बाद जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद सेमीफाइनल फाइनल होगा। ठीक है, तो इसमें आप अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का एक दूसरे से क्वेश्चन भी दे सकते हैं, यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है 9-12 BSc MSc एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया सेमीफाइनल, तो बताइए, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, पार्टिसिपेटिंग स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द क्लियर परफॉर्मेंस, और स्क्रीनिंग बेस्ड में जो भी स्टूडेंट अच्छे काम करेंगे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिल्म में जो भी होंगे उनको फिल्म्स लाउंज में कुछ प्राइजेस है वो आप देख लीजिएगा, फाइनल्स में कुछ प्राइजेस है, इस प्राइज को भी आप देख लीजिएगा। इसको IIT कानपुर के साथ कोलाबरेट किया गया है, IIT कानपुर ने इस वेबसाइट को बनाया है, तो यहाँ से साइन अप करना है आपको, साइन अप में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिए मेरा, तो यहाँ पर से रजिस्टर योर सेल्फ में आपको क्लिक करना है, लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, मेरा पहले से था, यहाँ से क्रिएट अकाउंट में क्रिएट करना है आपको, तो यहाँ से देखिए अपना नाम देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी देना है आपको, और यहाँ से नाम दीजिए और जेंडर जो भी है आपका, मेल फीमेल, यहाँ से एज ग्रुप में जो भी एज ग्रुप में आप हैं यहाँ से लगा सकते हैं, एफिलिएशंस में आप एकेडमिया कीजिएगा, इंडिविजुअल तो कुछ भी दीजिएगा, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट में कहाँ पर हैं, अंडर ग्रेजुएट में जहाँ पर भी हैं आप इसको लगा सकते हैं, और 19 में है तो 19 कीजिएगा हाई स्कूल्स, और सिटी दीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा, इंडिया ही रहना है इसको, और आंध्र प्रदेश है, यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट कीजिएगा तो हो जाएगा, इसके बाद प्रोसेस होगा क्या, इसका एक्सपे मतलब आपका मेल आईडी पे एक कोड जाएगा, कोड जाने के बाद वहाँ से आप पासवर्ड जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड जैसे आपको बोलते हैं RAM123@ ऐसे कुछ दे सकते हैं आप, तो उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके इंटर कर सकते हैं उसी बॉक्स पे, और अपना फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरे तरफ से सबको समझ पाए होंगे, इसके साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।